بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان منكم وهم صادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. اللہ نے ہمیں شوال مکرم کی پہلی تاریخ عید کا دن لگا پڑا. سنی رنگی سوسائٹی کے ٹریڈیشن کے مطابق عید کا دن قادری رنگی برادران کے لیے اور سنی صحیح رنگی رات مسلمانوں کے لیے ہر عید کا دن ہے. عید کا دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر, دنیا کے بزنس سے نکل کر, مصروفیت سے نکل کر, میٹیریل ایسیئر سے نکل کر, گھر اور بار سے نکل کر, بچوں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے ہلکے ذکر میں آنا, اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ جاؤ. نبی یہ محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا کر چھولی لے کر آ جاؤ. شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ قادری ملن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ لینے کے لیے حاضر. آج کا دن الحمدللہ صبح کو ہمیں عید ملی. ہمارے دوست عزیز ایک ماہ مصروف رہے, دن میں روزہ رکھا, رات کو تراویح پڑھی اور عید الفطر کا پروگرام بنا دے. کل کی رات تیسویں تراویح بھی ملی. ہم نے فطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور رمضان کی تقریباً کل ہاف نائٹ رمضان ہمیں ملا. اس کے بعد جب عید کنفرم ہو گئی تو ہم عید الفطر کے پروگرام میں مصروف ہو گئے. لیکن یاد رکھو یہ انسان کا نیچر ہے کہ انسان اپنے منہ سے یہ کہتا ہے آئی ڈو دس, آئی سے دس, آئی ٹیل دس, آئی آرگنائز, آئی یہ سب لوگ کہتے ہیں. لیکن میرے دوستوں آئی کچھ نہیں. صوفی جب آئی کہتا ہے, صوفیہ جب وے وی کہتے ہیں تو آئی اور وی کے بیک گراؤنڈ میں اس کا شعر ہوتا ہے. آئی اور وی کے بیک گراؤنڈ میں اسپریچل پاور ہوتا ہے. آئی اور بی کے بیک گراؤنڈ میں المائٹی پاور, المائٹی ڈیسیژن اور ول پاور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں گھبراتا نہیں, کچھ بھی ہو جائے آرام سے میں بیٹھتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا جو مشن ہے وہ میرا مشن ہے.
मेरा जो काम है वो मेरा पर्सनल काम है। खुदा का शुक्र है कि हर मौके पर अल्लाह ने बड़ी इज्जत फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीयत जलीला बड़ा करम हुआ। आओ हम को पुलिस में रहकर और पुलिस की बातें करते रहे, लेकिन मेरे दोस्तों रामपाल और इंजीनियर पीतों और दामोदरी और इस तरह से मेरी मैंने कुछ बात हुआ, आप जानते हैं कि दूर दूर से लोग ईद का लिहाज हो गए। खूब याद रखो, आज की मेजोरिटी, आज की जो अक्षरियत है वो वही कर रही है जो टाइम डिमांड है, सोसाइटी मुसलमान का नेचर तो अब ऐसा हो गया है, कोई जानता है कि घर से निकले और घर से निकलते ही सामने रखते मशीन उसको डरना ना पड़े, कहीं आना जाना ना पड़े। यही वजह कि पुलिस में और पूरे मुआशरे में हर मस्जिद में नमाजें हुई और होती, मगर खुदा की बेशुमार रहमतें, खुदा का बेशुमार करम हो उन लोगों पर जो 15 दिन से 20 दिन से सिर्फ इस शौक में आए ईदगाह चलकर नबी की सुन्नत पर अमल करें और ईद के नमाज ईदगाह में आकर पढ़े। मेरे दोस्तों, जब मैं 8 बजे ईदगाह पहुंचा, ईदगाह में नमाज पढ़ने की कोई जगह सूटेबल नहीं थी, ईदगाह में पानी था, कीचड़ था, खड़ा होना और सजदा करना मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन 10 मिनट हमारे दोस्तों तिरपाल बिछा दिया, चढ़ाई बिछा दी गई और जहां जिसको जगह मिली वही वो बैठ गए ईदगाह में, नीचे मस्जिद में, उसके सहन में। इस तरह मॉरिशस के मुसलमान ने, सिलेक्टेड मुसलमान ने, इलेक्टेड मुसलमान ने अल्लाह के फजल करम से इस वेदन ने ईद की नमाज पढ़ी, ईद मिलन पाठ में शिरकत और किसी काम में कोई कमी नहीं, हर काम बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह पहले होता था। और खुदा का शुक्र है कि सुन्नी रज़वी सोसाइटी का रिकॉर्ड ईद के लिए आओ ईद मिलन पाठ में आए। मेरे दोस्तों, की बातें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ईदगाह में ये एक प्रोजेक्ट है, ईदगाह एक प्रोजेक्ट है, ईदगाह एक चैलेंज है और इस चैलेंज को अल्लाह के फजल करम से हमने एक्सेप्ट किया। अभी वहां हाल की जरूरत है, अभी नमाज पढ़ने के लिए ऐसी जगह की जरूरत है कि अगर बारिश हो तो आराम से नमाज पढ़ सकते, गेस्ट हाउस भी हमें वहां चाहिए और इन सारे कामों के लिए पैसे की। आप जानते हैं कि एक से अगर एक मिला दिया जाए 11 और 3 आदमी अगर खड़ा हो जाए तो 111 होते हैं। मुसलमान थोड़ी तवज्जो करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आसानी से हो सकता है। इंशा अल्लाह ताला आज ईद का दिन खत्म हो गया है और कल से हम
छुट्टी नजरी एकेडमी की जो रुपया है और भरत का जो हिस्सा है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक किया जाए, पेंटिंग किया जाए और उसके साथ साथ ईदगाह अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और जारी रहेगा। इसके अलावा जो काम सोसाइटी कर सकते हैं हम उस काम की तरफ तवज्जो करेंगे। हमें आपके हेल्प की दावत की जरूरत है क्योंकि मेरे अजीजों मेरे दोस्तों अब ये बात साबित हो चुकी है और दुनिया ने जान लिया ईदगाह ये सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत की जगह नहीं है बल्कि सिंबल ऑफ यूनिटी है, सिंबल ऑफ लव है और सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी लव ज्यादा गुट की एक ऐसी अलामत है कि इस स्टेट का सारे लोग आ सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे मॉरिशस में जहां तक मुझे मेरे नॉलेज है कि पूरे मॉरिशस में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां सारे मुसलमान मिल बैठे और आप देख रहे हैं कि मॉरिशस में रहने वाली सारी कौमें यहां आती हैं, खुश होकर जाती हैं और इस तरह से हमारा काम हो रहा है। आज मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो हमारे काम में हेल्पर हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं कि 10 साल मुकम्मल हो गए। मेरे भी जो मेरे दोस्तों 11वां साल शुरू हो रहा है और इस 11वां साल में अभी ईद उल अजहा बकरी कुर्बानी की ईद भी आ रही है। इस मौके पर अगर मॉरिशस के मुसलमान कुर्बानी की खालों से मुकम्मल तो ईदगाह प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है और काम किया जा सकता है। ऐसा हमें इसकी तो पता पड़ती है और जो कुछ हम सोच रहे हैं ऐसा इसमें हमें कामयाब है क्योंकि असाई को देना असाई को मिटना और इतना मिलना ऐसा हम कोशिश करते हैं उनकी कोशिश की और इसको कंप्लीट करना है ना तेरा काम। हम तेरे कमजोर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ किया तेरे फजल करम ने और आइंदा भी जो कुछ होगा तेरा फजल करम। आज का ये मुख्तसर सा मालूमा मैंने पेश किया खुदा का शुक्र है वो लोग जो एक महीने थके मानते थे और दिन भर आज वो थके लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल दिमाग के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 1333 वीकली हल्के जिक्र में शरीक हुए ऐला इन शन कबूल फरमा आमीन और इन्हें हिम्मत दे कुवत दे ये दीन के कामों को करते आमीन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जय रहमान जय रहीम फायदे बहुत हैं, मगर इतना बड़ा फायदा है ए फिक्र के करने वालों तुमको कितने नसीब हो कि दुनिया में तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो। क्या जब आखिर वक्त होगा दुनिया से जाने का जब प्रोग्राम सामने होगा दुनिया सामने अल्लाह हूँ वो मरते जब भी उसके काम से अल्लाह हो की सदा बरस होगी और दिल कहेगा इल्लल्लाह मेरा नाम लखपत रहे तेरी नाम दिल से इल्लल्लाह की सदाएं मदद होगी। हम
معبودان باطل کا انکار کرتے ہیں، معبودان باطل کو فیس کرتے ہیں، آئی کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ عبادت ہماری. میرے دوستو یہ کتاب وہ دینی چاہیے جو اس کو جو راضی ہو، نام رضا میں رضا. اور کام رضا کیا ہے؟ ہمارا کام ذکر ہے، ذکر ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، ایمان ہے، اور اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرنا. ہم جہاں ہوتے ہیں خدا کا نام لیتے ہیں، ہم جہاں ہوتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جہاں ہوتے ہیں نبی پر درود و سلام. اور اس یادگار پڑھنے نیکی حل ہے ذکر. اور اللہ حق، 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 اللہ حق،
मन भी चैन सुख राहत और आराम खुदा के नाम जब तक खुदा का नाम इस जमीन पर बाकी है कयामत नहीं आई मुसीबत नहीं आई। मेरे दोस्तों हमारे सामने है वो सैटरडे को बाद अरे ऑफ चल रहे मगरिब से ईशा तक का प्रोग्राम ईशा के बाद चल सैटरडे अलग से ऑफ चल रहे इस सैटरडे अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम में ऐसी तकलीफ में बुजुर्गों के नाम पर बोल अरे लेकिन क्या है फिक्र क्या है खुदा से मांगने का खुदा से लेने का इतना है कभी गौस का नाम लेकर हम अल्लाह से मांगते कभी नबी का नाम लेकर अल्लाह से मांगते कभी इमाम अहमद अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से मांगते। भिखारी जानता है कि ईद कुछ तो कैसे भी हमारे आकाओं ने हमें बता दिया कि इस तरह से ईद मांगो हम जब जब मौका मिलता है जाऊं मिलता कभी इसका नाम लेकर कभी इसका नाम लेकर हम भीख मांगा में नूर की सरकार से ईशा के वास्ते